अस्सलाम वालेकुम जी, ये चार मरले का इंतहाई खूबसूरत घर आ चुका है मार्केट में फॉर सेल के लिए। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ, सामा सेक्टर G14 में इस घर की लोकेशन है। व्यूअर्स, क्या ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन किया गया है। फर्दन ब फर्दन आपको जो है वो ग्राउंड पोर्शन या ऊपर वाला पोर्शन जो है मैं आपको विजिट करवाता हूँ। व्यूअर्स, ले चलता हूँ आपको इसके कारपोर्ट्स की जानिब। तो आप देखेंगे एक्सटेंड हुआ हुआ है, ये इसका गेट है, एक बड़ी गाड़ी की इजिली पार्किंग है। नीचे अगर फ्लोरिंग की बात करें तो टफ टाइल के ऊपर रैंप के ऊपर काम किया गया है और आगे वाले हिस्से पे टाइल वर्क का काम किया गया है। ऊपर आप चेक कर सकते हैं इसका सीलिंग डिजाइन वर्क कारपोर्ट्स के। व्यूअर्स, फर्दर आपको एक दफा फ्रंट एलिवेशन क्लोजली व्यूअर्स आपको चेक करवा रहा हूँ। करके अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले राइट साइड के ऊपर आपको कुछ हिस्से पे नीचे आप चेक कर सकते हैं सेपरेट टैंक और पानी की अपलिफ्ट के लिए पंप जो है वो इंस्टॉल है। अगर मैं इसके डोर वर्क की बात करूँ, लेफ्ट साइड वाला डोर ऊपर वाले पोर्शन के लिए आप सेपरेटली इसको यूज कर सकते हैं, जो कि हाइटेड इसका सॉलिड वुड वर्क में इंस्टॉल किया गया है। सेकेंड डोर ये ग्राउंड पोर्शन की तरफ से मेन एंट्रेंस है। राइट साइड वाला थर्ड डोर ये ग्राउंड पोर्शन के ड्राइंग रूम के लिए आप इजीली इसको अपने गेस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंटर होते हैं इसके मेन ग्राउंड पोर्शन की एंट्रेंस डोर वर्क से। व्यूअर्स, हाइटेड आप चेक कर सकते हैं सॉलिड वुड वर्क में इसकी खूबसूरत डोर वर्क को डिजाइन किया गया है। एंटर होते साथ ही आपको स्पेस मिलती है छोटी सी, ये टीवी लाउंज की। व्यूअर्स, आप चेक करेंगे ये चार मरला के लिहाज के हिसाब से ऊपर इसका खूबसूरत सीलिंग डिजाइन वर्क आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर मैं आपको राइट साइड वाला ये इसका ग्राउंड पोर्शन का ड्राइंग रूम चेक करवाऊँ, तो एंटर होते साथ ही आपको इसकी भी पार्टीशन मिल जाती है ग्लास और वुड वर्क के मदद से। व्यूअर्स, तो खूबसूरत आपको इधर भी आप चेक करेंगे सीलिंग डिजाइन वर्क। सामने हाइटेड विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, और सेपरेट जो थर्ड डोर आप विजिट कर रहे थे व्यूअर्स, वो इस ड्राइंग रूम, इसको आप बेडरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे व्यूअर्स, फीचर वॉल्स 3D वॉलपेपर और स्टार लाइट के मदद से इस वॉल को बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। इसी बेडरूम या ड्राइंग रूम के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक छोटी सी आप चेक कर सकते हैं मीडिया वॉल की स्पेस भी मौजूद है, जो कि प्रॉपर छोटी सी स्टोरेज की स्पेस भी मौजूद है। बाथ इसका ऐसा आपको चेक करवाता हूँ, जिसमें आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी एक गोल्डन टच दिया गया है। इसकी सैनिटरी का वैनिटी का सेट भी देख सकते हैं फुली ऊपर तक। इसकी टाइल वर्क की डिजाइनिंग आप चेक कर सकते हैं, सीलिंग डिजाइन वर्क। नीचे आप इसका व्यूअर्स इंग्लिश सीट, और ये भी आप चेक कर सकते हैं अलग से इसका शावर एरिया। ये था इसका ग्राउंड पोर्शन का बेडरूम, या इसको आप अपने गेस्ट वगैरह के लिए ड्राइंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ उसके किचन की जानिब। व्यूअर्स, चार मरला के लिहाज से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत ये इसका किचन डिजाइन किया गया है। नीचे आप फ्लोरिंग देखेंगे वुडन कलर में। राइट साइड के ऊपर ये इसका डोर वर्क की डिजाइनिंग चेक कर सकते हैं, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिजाइन वर्क आपने देखा है। और ये आप किचन के कैबिनेट्स वगैरह चेक कर लेंगे। काउंटर की बात करें तो कोरियन का काम किया गया है। ये इसका आ गया इधर बर्नल, ऊपर इसका आ गया हॉट व्यूअर्स। अगर मैं वॉश एरिया की बात करूं तो लेदर से आप चेक कर सकते हैं, इधर दी गई है स्पेस, छोटी सी विंडो भी दी गई है वेंटिलेशन के लिए, और साथ बड़े साइज का प्रॉपर डोर वर्क भी दिया गया है, जो कि ओपन होता है बैक साइड की गैलरी की तरफ, जिधर लॉन्ड्री की स्पेस भी मौजूद है, और गीजर वगैरह भी अब इधर इंस्टॉल किया जाएगा। तो ले चलता हूँ आपको इसके ग्राउंड पोर्शन की मास्टर बेडरूम की जानिब। तो ये है इसका मास्टर बेडरूम व्यूअर्स, खूबसूरत ऊपर सीलिंग डिजाइन वर्क चेक कर सकते हैं, नीचे फ्लोरिंग टाइल वर्क की, सामने इसकी हाइटेड विंडो वेंटिलेशन के लिए व्यूअर्स, और इधर आगे इसकी फीचर वॉल्स, जो कि सीलिंग का साथ छोटा सा आप चेक कर सकते हैं अटैच दिया गया है। तो बाथ इसका चेक करवाता हूँ आपको, ये आगे इसकी बाथ की डिजाइनिंग व्यूअर्स, ये आप देखिए फुली ऊपर तक टाइल वर्क और खूबसूरत डिजाइनिंग, साथ ही इधर कैबिनेट्स की स्पेस भी मौजूद है व्यूअर्स। ये था इसका ग्राउंड पोर्शन का शॉर्ट सा व्यूअर्स टूर। अभी ले चलता हूँ उसके ऊपर वाले पोर्शन की जानिब। व्यूअर्स, मैं अपने व्यूअर्स को चेक करवाता जाऊँ। इसी ऊपर वाले पोर्शन को आप सिंगल यूनिट के तौर पे भी घर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड पोर्शन से भी इंटरेस्ट ऐसी थी, और बाहर से भी इसका डोर वर्क आप चेक कर सकते हैं दिया गया है। अगर मैं इसके पोर्शन वाइज की बात करूं तो व्यूअर्स, इजीली 50,000 में इस टाइम जो है रेंटेड वैल्यू है चार मरला घर की। अभी हम आ गए ऊपर वाले पोर्शन में, सबसे पहले विजिट करेंगे इसका टेरेस वाले एरिया की जानब। मैं अपने व्यूअर्स को ले चलूँगा जिधर ये आप देखेंगे इसकी टेरेस की स्पेस व्यूअर्स। तो ले चलता हूँ अभी ऊपर वाले पोर्शन के प्रॉपर टूर की जानी। ऊपर वाले पोर्शन में ग्राउंड पोर्शन की बनिस्पत व्यूअर्स, ये स्पेस छोटी सी टीवी लाउंज की ज़्यादा है, ये आप देखेंगे व्यूअर्स। इसमें प्रॉपर खूबसूरत ऊपर सीलिंग डिजाइन वर्क का काम किया गया है राइट साइड के ऊपर। इस हिस्से को आप टीवी लाउंज का एरिया के तौर पर भी बड़े साइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में मैं आपको बेडरूम चेक करवाता हूँ। ये आ गया बेडरूम फर्स्ट व्यूअर्स, ऊपर देखेंगे आप खूबसूरत सीलिंग डिजाइन वर्क, नीचे इसकी फ्लोरिंग चेक कर सकते हैं। राइट साइड के ऊपर विंडो आ गई वेंटिलेशन के लिए, सामने इसकी फीचर वॉल्स हैं, और ये इधर भी खूबसूरत वॉल को डिज़ाइन किया गया है। सामने कैबिनेट्स वगैरह आ गए और मीडिया वॉल भी,
आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बाहर की डिज़ाइनिंग भी चेक करें वैसे, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आई है। ये इसका जो टाइल वर्क का काम किया गया है ना, ये बहुत ही एक यूनिक कलर को जो है डिसाइड किया गया इंग्लिश सीट के साथ। और ये आप देख सकते हैं इसकी बाद की डिज़ाइनिंग। अभी बात आती है इसके सेकंड मास्टर बेडरूम की और किचन की, तो मैं अपने व्यूअर्स को जल्दी से इसका सेकंड मास्टर बेडरूम खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क ऊपर चेक कर सकते हैं, नीचे फ्लोरिंग देख सकते हैं और राइट साइड के ऊपर इसके कैबिनेट्स, और साथ इसका चेक करेंगे व्यूअर्स बाद की डिज़ाइनिंग जी व्यूअर्स। तो अभी अपने व्यूअर्स को लेकर चलता हूँ इसके किचन की जानिब। तो ये आ गया इसका खूबसूरत किचन व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं बहुत ही एक यूनिक स्टाइल में संभाल से किचन को टोटली आप चेक करेंगे कैबिनेट्स वगैरह के तौर पे भी। और ये इसका बंडल ऊपर आप चेक कर सकते हैं, हुड व्यूअर्स आधे से अलग से वॉश एरिया विंडो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, और इधर से डोर वर्क भी दिया गया है जो कि ओपन होता है बैक इसकी गैलरी की जानिब, जिधर अभी गीजर वगैरह इंस्टॉल किया जाएगा। ये था इसका अपर पोर्शन का टूर व्यूअर्स। अभी बात आती है जल्दी से छत की जानिब, अपने व्यूअर्स को लेकर चलता हूँ और लास्ट में इसका डिस्कस करेंगे डिमांड की व्यूअर्स। शेड्स का डिज़ाइन आपने चेक कर लिया है, राइट साइड के ऊपर आ गई है इसका मम्मी का टोटल कवर्ड एरिया, इसमें विंडो आ गई है, साथ इसका बाथ अटैच आ गया व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं बाथ की डिज़ाइनिंग। तो अभी ले चलता हूँ आपको छत, छत पे आप चेक करेंगे तो क्या प्रॉपर चिप्स का इस्तेमाल किया गया और ये आ गया मम्मी का टोटल कवर्ड एरिया बड़े साइज का। नीचे इधर बैक साइड के ऊपर सेपरेट टैंक आ गया। तो व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं 3,70,00,000। और लास्ट पे आपको मैं इसकी लोकेशन चेक करवाऊंगा, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स सामने मेन श्रीनगर कश्मीर हाईवे का आप चेक कर सकते हैं ट्रैफिक जा रही है, जो कि आप अपने व्यूअर्स को मैं बताने का मकसद कि इंतहाई ही प्राइम लोकेशन के ऊपर इस्लामाबाद की ये घर वाकया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।